वाले उनकी यादों के। श्रोताओं, चमकता हुआ सितारा केसी लॉर्ड आज हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले तो हम उनका बहुत 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 गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू रविराज, थैंक यू। एक एक संगीतकार की स्टाइल बताइए। बर्मन दा इनके साथ कैसे आपका साथ बना था? बर्मन दा तो एकदम, बर्मन साहब को गाड़ी लेनी होगी तो हमने पहले ग्रांट रोड पे रहे थे, तो वो लेके एकदम म्यूजिक छोड़ के एकदम इनोसेंट थे बर्मन साहब। तो हम लोग ग्रांट रोड पे रहते थे और अप्रोच भी इतना खराब था गली का, तो वो भी गली में से चल के बर्मन साहब अंदर आते थे और नीचे से बोलते थे लॉर्ड, तो ऊपर से डैडी बोला हाँ दादा नीचे आ जाओ। तो क्या करने का दादा, क्या हुआ? मेरे को गाड़ी लेने के, कार लेने के। तो भी डैडी को पूछा भी ना, कुछ भी नहीं करते थे दादा। तो बाद में लोग ने ब्लैक ऑस्टिन ली, मेरे को याद है ऑटो कार्स स्टेशन के सामने ऑटो कार्स थे वहां से। फिर 6 महीने के बाद वापस आया दादा, लॉर्ड गुस्से में आया इस तरह का, दादा बोलो। तो नीचे गया डैडी, मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, छोटा बच्चा था ना तभी। तो क्या हुआ दादा, ये गाड़ी किसकी है? तो दादा आपकी गाड़ी है। तो मेरी गाड़ी में मेरे को टैक्स क्यों बनेगा, रोड टैक्स के लिए? तो इतना इनोसेंट है। तो ऐसे ऐसे ऐसी हरकतें होती थी दादा के लिए। बर्मन साहब के साथ तो बिगिनिंग से था, एकदम पिक्चर शो के बिगिनिंग में एक पिक्चर साउथ की किए थे ये लोग, मद्रास गए थे तभी, तो उसमें नहीं था, डेली गए थे चेन्नई रिकॉर्डिंग करने गए थे। और बर्मन साहब के साथ फिर वो कंटिन्यू चलती चला गया और फिर पंचमदा के साथ भी आपको मिला। संगीत में जो आपका एक कलर है उसके बारे में जिक्र किए बिना तो आपकी बातचीत पूरी होनी ही नहीं। बर्मन साहब का ईस्ट बंगाल का इन्फ्लुएंस है ना। तो आप अपनी पसंद के बर्मन दा के कुछ गाने बताइए जिसमें आपको लगता है कि ये गाने बहुत खूबसूरत बने। और ये गाने के लिए मेरे को बर्मन साहब ने बाजे के रूम में बुलाया और बोला कि बहुत रोमांटिक गाना है। दादा बोलते थे ना छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसे लंबा सेंटेंस में बोलते थे, तो बहुत रोमांटिक गाना है तो मैं बोलना पड़ता था हाँ दादा। तो एक फायर प्लेस की राउंड बैठे हुए हीरो हीरो हाँ दादा, पीछे हुए बोरा बारिश में हाँ दादा, और अच्छा एकदम रोमांटिक है और मनोहरी तुमको पार्ट देगा, मनोहरी है बासु ऐसे ना, तो तुमको जो करना है करो। तो मनोहरी के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छा है, लाइक वी लाइक ब्रदर्स ना। तो रिहर्सल बहुत होते थे गाने के पहले, ऐसा नहीं कि दो रिहर्सल हुआ गाना रिकॉर्डिंग होता था। तो एवरी रिहर्सल में मैं कुछ एक्स्ट्रा करता था, जो लिखा है इससे थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मनोहरी ऐसा करता था लिखे थम्स अप ना, तो और करता था ना, इस हिसाब से बढ़ते गया। इसमें जो अकॉर्डियन है वो आपके ही बजाया हुआ है? नहीं, जो बेसिक दिया हुआ है ऑलरेडी इम्प्रोवाइजिंग है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और सब मेरा है ना, मेरा उनका नहीं है, आवर टीम टीम का एसी बर्मन टीम का है। तो फिर ये गाना सुना जाए, बड़ा खूबसूरत सा गाना है और एक ही बार में शूट किया गया है, तो बहुत अच्छी यूनिक बातें इस गाने से भी जुड़ी हुई। तो ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएं सबसे पहले। श्योर, मैं भी सुनता हूँ। Yeah.
वहाँ खाली एक माइक्रोफोन होता था, उसमें माइक्रोफोन के मेन साइड पे सिंगर और पीछे म्यूजिशियन, तो ढोलक वाला बैठा हुआ है, एकॉर्डियन वाला खड़ा है, और अंदर से बोले गा रहे हैं ढोलक लाउड चेयर, तो ढोलक वाले का टेबल आगे लाना पड़ता थोड़ा। तो मैंने तो बहुत साउंड डेवलपमेंट बहुत देखा हुआ था। फिर आस्ते आस्ते आया लाइक मेनो का ट्रक फेमस आते हो, बिफोर दैट सब रिकॉर्डिंग होते थे शूटिंग सेट, जहाँ शूटिंग होती तो पहले दो दिन पहले बोलना पड़ता था, तो सब पर्दे लगाएंगे, गुणपट लगाएंगे एकोस्टिक करने के लिए। तो अच्छे अच्छे गाने वहाँ वो है, प्यासा के गाना कागज का फूल फूल महालक्ष्मी फेमस है, प्यासा का कोई खूबसूरत गाना नहीं, ऑल सब गाना अच्छे। तो चलिए प्यासा का एक वो खूबसूरत सा गाना जो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग लिए हुए सुनिए। एक चीज मेरे को याद है, इसमें मैंने ये बजाया था फर्स्ट टाइम चाइनीज टेम्पल ब्लॉक, वो वाला। तो दादा को पूछा दादा मैं कहाँ बैठूंगा, तो बोला बजा के दिखाया, तो बजा के दिखाया। फिर बहुत बड़ा है वो न्यूज स्टूडियो था, तो मेरे को सेंटर ऑफ द स्टूडियो बैठाया और एक भी माइक नहीं है। मैं बोला मुकुल ना मेरे लिए माइक इधर है, तो फिक्र मत कर सब माइक में तेरा आएगा। ऐसा ऐसा हो तो इनोवेटिव रिकॉर्डिंग का जाने क्या तूने कहूँ।
अरेंजमेंट वगैरह जब करते थे तब तो आपको सिटिंग में भी जाना होता होगा. हाँ तभी जाना पड़ता था. तो मेरी सिटिंग में हम लोग अकेले, मैं अकेले रहता हूँ ना, तो पंजाब की स्टाइल अलग थी, दादा की स्टाइल अलग थी, रिदम वाला, ढोलक वाला, फिर पासो मनोवरी, उनका सेक्रेटरी सपन बैठेगा, वो बैठेगा, मेरे को अकेले काम करने को पसंद है. तो मैं अरेंजमेंट नहीं करता था, रात को घर में आके मेरे म्यूजिक रूम में करता था. ऐसे दादा के कोई गाने कोई भी देखे, दादा के कोई भी गाने भी देखे मैंने. और पंचम दा के साथ कब शुरुआत हुई आपकी, किस फिल्म से? भाई फर्स्ट टाइम पंचम को मिला, आई थिंक सबसे पहले मैं और आशा जी मिली होगी पंचम को, बिकॉज पंचम स्कूल में था 14 साल का, कलकत्ता, तो वैकेशन में इधर आता था, तो दादा के साथ स्टूडियो में आता था, तो अपना एक रिपोर्ट अच्छा हो गया था ना, वी यूज्ड टू लाइक ईच अदर ना, सेम स्पेस. तो मैं जब भी रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं फ्री होऊंगा तो पंचम मेरे घर में आएगा ना, ये तो बेल्फी बेल्फी पड़ी है ना, तो सब सुनते थे ना. इनको खाली दो स्टाइल पसंद आए, इनको लैटिन बहुत अच्छा लगा था और जैज पॉप वेस्टर्न क्लासिकल बिल्कुल नहीं जमता था उनको, तो पंचम के साथ तो तब से दोस्त थे. बाद में पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, तो बिगनिंग से पंचम की फर्स्ट दो पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरेंज किया था, कल्याण की आनंद जी की फर्स्ट दो पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरेंज किया था. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इतना एक था एंथुसिएज्म के, इतना एम्बिशन था वो लोग में, तो एम्बिशन तो सबको रखना चाहिए ना, एक गोल रखना चाहिए सब लोगों को, मेरे को ये करने का है, वो करके दिखता है. हम लोग एक सूरज करके डांस पास्टर था, महमूद, पंचम और मैं, ये दांत दिख रहे आगे का, इन एक कॉर्नर चारों को गया था ये दांत इतना, तो हम लोग मिलते थे तो हाँ ही नहीं बोलते थे, हम लोग ऐसा करते थे, ऐसे दांत दिखा देते. तो महमूद भी गया, बहुत पुरानी दोस्ती था, तो महमूद की फर्स्ट पिक्चर तो मजा ही आया ना. फिर एक पिक्चर में पंचम के पास काम करवाया था, दादा बहुत नाराज हो गया था, गुड पगला, तो बर्मन साहब ने मना किया, नेक्स्ट टाइम नहीं करने का ऐसा. Thank you.
और फिर ये जो नेपाली वगैरह जाए इसमें वो जो कांचा आने के बाद मादल वगैरह जो वैसे मनोरी भी नेपाली है ना तो मनोरी का नेवी हो सकता है पर मादल ने तो बहुत ही क्रांति ला दी वो पंचम की कमाल है ना वो तो कभी आपने भी बजाया मादल ने बजाया जबकि बपरी बहुत बजाई है पर वो मादल का जो यूज जो पंचम ला दिया है कांची रे कांची रे नाम और निशान नहीं रहने देंगे।
चला सर, आपण सर्व मिळून स्वच्छ भारताचा संकल्प करूया आणि एक स्वच्छ भारताची रचना करूया. स्वच्छ भारत एक पाऊल स्वच्छतेच्या दिशेनं. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार. तेरे हाथों में है मेरी थोड़ी जैसे कच्चे धागे से मैं बना आया ऐसे. ओ तेरे हाथों में है मेरी थोड़ी जैसे कच्चे धागे से मैं बना आया ऐसे. मुश्किल है जीना देते हो हसीना, मुश्किल है जीना देते हो हसीना. वापस मेरा दिल मोड़ के दे कंची से कंची रे मेरी साजी. रुक जा न जा दिल तोड़ के, ओ रुक जा न जा दिल तोड़ के. नॉर्मली दादर ऐसा होता था ना, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू, पंचम ने ऐसा किया, रकट टक टक रकट टक टक, पंचम ने शुरू किया, पंचम ने शुरू किया ये बोंगो कोंगो पे. बट एक्चुअली दिस इज पासो डोबले, ये जादू में यूज हो गया था. कास्टानेट्स अ बिट लाइक दैट, स्पेनिश डांस ऐसा बनता था. पंचम कन्वर्टेड इनटू परकशन ड्रम परकशन पे ना, तो अलग ही लगता था. अभी तक वही, अभी थ्री फोर होगा, तीन मात्र रहेगा दादर, तो यही बजेगा. अभी पंचम का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत था. किस तरीके से बनाए, सुंगी वंगी भी बजा लिया करते थे वो? एक्चुअली ओरिजिनली है, दूधिया है, मेरे वेबसाइट पे फोटो है. लंबा दूधिया था ना, वो होता है ड्राई करके और उसपे इसकी स्टिक से बचता है जो डेरी का आटा है, वो एक्चुअली वो है. पर वो सब मिलता नहीं था, बाद में इधर बापू का बनाया. अभी लकड़ी टूट जाती बजाने के, तभी कंगे से बजाते हैं लोग. और ये चुरा लिया में ग्लास यूज किया है, वो डिजिटली ग्लास यूज किया है क्या?
मतलब उसको चीजों को इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया करते थे। तभी बाय द टाइम मैं ज्यादा कीबोर्ड पे होता था ना। भारत के सपने में भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है जिसमें वो डुअल सॉन्ग यूज हुआ है, लता जी का डबल वॉइस, आशा जी का डबल वॉइस, वो अलग सिस्टम थे ना। वो सभी खाली फोनोफोनिक रिकॉर्डर था और सब बड़े स्टूडियो में डबल रहते थे, ऑल 35 mm टेप्स था। तो डबल इसके लिए जब पिक्चर मिक्स करने के लिए एक डबल पे साउंड डायलॉग रहेंगे, एक इफेक्ट, एक डबल पे इफेक्ट रहेगी। तो पंचम ने एक रिकॉर्ड किया एक वॉइस के साथ कंप्लीट फोनो ट्रैक, और वो बजाया डबल से और सेकेंड वॉइस डेट किया, जिंदगी है, जिंदगी है।
कैसे साहब आपका सोडे और शाम दोनों के साथ जुड़ाव रहा है, कुछ यादें उनकी भी ताजा? सोडे की तो बात ही मत करिए ना, सोडे का बैकग्राउंड अभी 5.1 में रिलीज करने वाले थे, तो स्टूडियो में रिलीज करने वाले थे कुछ, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एट राजकमल, तो राजकमल स्टूडियो वाज मोस्टली यूज फॉर मिक्सिंग, वहाँ 6 ट्रैक था, तो वहाँ हम लोग गए रिकॉर्ड करने के लिए। एंड शंकराम जी का स्टूडियो में 2 स्टूडियो पास था, नॉट इंटरकनेक्टेड, ओनली 1 डोर वॉज देयर, तो वी यूज बोथ द स्टूडियोज, दोनों स्टूडियो साथ में यूज किया इंटरकनेक्टेड डोर के साथ, टू रिकॉर्ड 6 अलग ट्रैक, जाके मिक्सिंग हुआ था लंदन में, तो वहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग को मिला अफजल खान। अफजल की एक ही हैबिट, एवरी आधा घंटे के बाद चाय चाहिए, तो बाहर शूटिंग करते हैं, आधा घंटे के बाद आके चाय पिए गए, तो चाय बहुत पीता था, तो अफजल की तो बहुत मजा आती था ना, कभी स्टोर पे कभी कभी अफजल भी होता था कंपेयर करने के लिए, कभी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते थे, वही नाम नहीं बताऊंगा हमें से, तो एक दिन हम लोग विंग पे थे, पश्चिम का ही शो था, तो मैं अफजल को बोला अफजल क्या बोला, मुझे तो एक बोल नहीं समझ पा रहे ना, तो वो तो उनको भी नहीं मालूम है ऐसा है ना, वो बोलने थे ऐसा चलता था, तो बहुत अफजल तो वहाँ पहले बहुत मजा आता था ना, खाली एक ही बीमारी उसको चाय चाहिए बस एवरी आवर। और शोले का वो जिप्सी सॉन्ग महबूबा महबूबा आपके, वो पंचम बता रहा था कि रमेश और लोग किधर बाहर गए थे बेरूट, कभी बेरूट चालू था ना, तो वहाँ कोई कैमरा सुना था दोनों ने साथ में, तो उसके ऊपर से महबूबा महबूबा था, वो इसके ऊपर से बेस किया था, तो वो आवाज वो हिसाब से बना के कुछ प्रेजेंटेशन कमा लेना पंचम, वो बॉटल से शुरू होता खाली गाना, बहुत अलग तरीके का और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल गाना है। Thank you.
I think I experimented so much because he was a very demanding music director. Hey, chahiye, bin chahiye, na bulane ka, tumko rakha kyun bas? That attitude. That was very good. Learned quite a lot. Hari Burman ke saath aakhir tak kaam kiya, parinte tak kal. Tumse milke aisa laga, tumse milke yaad se gaana kaam kiya. Tumse milke aisa laga, tumse milke arman. Hey.
Thank you.
देखो देखो वो आ गया। रविराज प्रणामी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत।